दोस्तों अभी हम हैं केस काल में, आप देख सकते हैं भाई लोग हैं, तो हमारा बस्तर सीरीज चल रहा है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने देव यात्रा देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं टाटा मारी, जो कि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है। अगर आप केस कल आते हैं, अगर टाटा मारी नहीं घूमे तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं घूमे। तो क्या है कि सुबेरे से हम लोग निकले थे अभी चित्रकूट से, यहाँ आए, लगभग हम लोग का सफर रहा जो 100 किलोमीटर का जो है हम लोग का सफर रहा। अब यहाँ से फिर वापिस जाएंगे हम लोग जगदलपुर, ठीक है, अभी रात में ही निकलेंगे। तो उससे पहले मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फिर जाएंगे हम लोग टाटा मारी, वहां कर मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ज्यादा जो है ब्लॉग जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम लोग टाटा मारी मेन गेट के अंदर आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त। तो अभी हम लोगों ने जो है बाइक पार कर दिया है, हमारा बाइक खड़ा हो चुका है, ठीक है, पार्किंग में। अभी हम लोग जा रहे हैं टाटा मारी। दोस्तों मेरे चेहरे पे मत जाना क्योंकि बस्तर ट्रिप करना है, रात बिकाल में कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, पर लेकिन घूम रहे हैं क्योंकि बस्तर को एक्सप्लोर करना ही है, ठीक है। तो फिर से मत जाना यार, नेचर का मजा लो। दोस्तों हम अभी आ चुके हैं टाटा मारी में, आप देख सकते हैं ये उसका एंट्रेंस है। यहाँ से दोस्तों बोला जाता है कि टाटा मारी का जो व्यू है केस काल का, वो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे व्यू में से एक है। और गार्डन यहाँ पर है यार, बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन तो देख करके। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डस्टबिन भी है और साफ सफाई बहुत अच्छा है यहाँ का, मेरे पसंद आया, साफ सफाई बहुत ही बढ़िया लगा। तो हम लोग आ चुके हैं टाटा मारी व्यू पॉइंट के पास, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा नजारे। तो दोस्तों देखिए ऐसा लोकेशन वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ मैं आपको, कहाँ आपने देखा होगा यार, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, ऐसा लगता है हम लोग जन्नत में आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त जो है नजारा यहाँ का, देखिए चारों ओर सिर्फ हरियाली हरियाली है। और दोस्तों खास बात यह है कि दूर दूर तक कोई भी शहर हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई गाँव दिखाई दे रहा है, सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहे हैं। ये जो एरिया है आप सीधा चले जाएंगे तो कांकेर की ओर है सीधा सीधा में, और इस एरिया में हम लोग जाएंगे तो हम लोग उड़ीसा बॉर्डर पहुंच जाएंगे, और इस एरिया में यदि हम लोग जाते हैं तो सीधा कोंटा होते ही छत्तीसगढ़ से बाहर आंध्रा शायद बॉर्डर है उधर। तो बहुत ही जबरदस्त जो है लोकेशन है यहाँ का। दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लोकेशन है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग। तो कैसा लग रहा है ध्रुव भाई? यहाँ का नजारा बहुत अद्भुत, अनोखा, नहीं है मनोरम। तो दोस्तों मेरा बाल थोड़ा बढ़ गया है बस्तर घूमते घूमते, इसको कटवाऊंगा कल जा करके, ठीक है। अभी क्या है कि घूम ही रहे थे यार, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जान रहे हो ट्रेवल करते करते थोड़ा, इसलिए कल कटवाऊंगा मैं बाल। अभी तो नजारा का मजा ले रहा हूँ, अब देख ही सकते हैं क्या नजारा है, बहुत ज्यादा सुंदर है यार। इतना जबरदस्त लोकेशन मैं कभी नहीं देखा हूँ एक्चुअल में, सच बताऊँ तो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा दूर तक, क्योंकि सिर्फ पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं। कई जगह देखोगे तो हमें दिखाई देता है घर, और घर दिखाई देगा, गांव दिखाई देता है जब हम किसी पहाड़ में चढ़ते हैं। पहली बार मैं ऐसे जगह में आया हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे को जंगल दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पहाड़ और लोकेशन बादल, नजारा को दिखा, नजारा को देखिए कितना जबरदस्त है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है यार, बहुत अच्छा जगह है। तो आप आइए केस काल, मतलब आप आ सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, नेशनल हाईवे रायपुर से है, वहां से आप यहां पर आइए। और हाँ दोस्तों टाटा मारी जो है इस जगह का नाम है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार लोकेशन है। तो केस काल कभी भी आते हैं, केस काल घाट, टाटा मारी जो लोकेशन है ये, और यहाँ के वाटरफॉल बहुत ज्यादा फेमस है पूरे भारत में, ठीक है। तो आप यहाँ पर जरूर आइए, पूरा एंजॉय करिए, फैमिली के साथ जरूर आइएगा यहाँ पे। और पीछे पार्क तो मैं दिखाया ही, तो मतलब के बहुत अच्छा जगह है यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
दोस्तों अभी हमने टाटा मारी जो है व्यू पॉइंट पूरा घुमा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे व्यू पॉइंट थोड़ी देर पहले मतलब मैंने आपको दिखाया, अभी भी दिखाई दे रहा है इधर से। और यहाँ पर दोस्तों जो है पार्क भी है अगर आप जाएंगे तो। और खास बात मैं एक बात मतलब कि बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो एक्चुअल में क्या है ना 10 रुपये फीस है एंट्री का, बाइक वगैरह रखने का है तो वो लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप केस काल लगी, केस काल से किसी को पूछ सकते हैं, छत्तीसगढ़ के केस काल में आने के बाद आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि टाटा मारी कहाँ पर जाना है, तो ज्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर लगभग मेन रोड से आपको ये जो है जगह पड़ेगा, ठीक है, आप आसानी से आइए। और इस साइड दोस्तों पार्क है, लेकिन शाम हो चुका है और हमें अभी निकलना भी है, इसलिए मैं बाकी का वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, जितना हो पाया मेरे से मैंने कोशिश किया, मैं खुद भी नहीं देखा था, लेकिन मैं फिर से आऊंगा यहाँ पे और अच्छे से यहाँ का जो है वीडियो मैं बनाऊंगा। इंजर है अभी ये निकले वाले है रायपुर, इसी में केस काल से रायपुर, वाह क्या बात है, हम लोग निकलने वाले थे कहाँ है, बस्तर टाइगर। हाँ तो बस्तर टाइगर इसका हम लोग नाम रखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे से जंगल में हम लोग घुसे हैं, इस गाड़ी से तो शेर ही घुस सकता है यार। तो फिर ये दोस्तों फिर मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में, बाय बाय।